नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार धार जिले के दौरे 2 मार्च को आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य स्तरीय पेंशन कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसको लेकर धार के पीजी कॉलेज में जिला स्तरीय सभा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसके बाद डॉक्टर मोहन यादव धार शहर में एक रोड में शामिल होने, जिसके बाद मुख्यमंत्री अमझरा स्थित माँ अम्का झमका मंदिर पहुँचेंगे और दर्शन करेंगे। इंदौर कमिश्नर माल सिंह सहित IG अनुराग सिंह, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने हेकीपेड सहित सभा स्थल, रोड शो और अमझरा मंदिर का मौका निरीक्षण किया। तैयारियां हमारी जोरों शोरों पे चल रही हैं और धार का स्थानीय जो सभा, जिला स्तरीय जो सभा रहेगी उसमें पेंशन वितरण रहेगा, राज्य स्तरीय कार्यक्रम रहेगा वो, और प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम के तहत जो पंचायतों में विकास के कार्य लिए जा रहे हैं उनका भी भूमि पूजन रहेगा और रोड शो रहेगा धार शहर में। उसके बाद उस कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री जी अमझेरा आएंगे और अमझेरा में माता जी के दर्शन करेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। मुख्यतः ये उनका इच्छा है यहाँ आकर के दर्शन करने की, और उसके अलावा जो स्थानीय अभी जो कार्यक्रम तय किए जाएंगे वो भी यहाँ पे करके फिर यहाँ पे प्रस्थान। सर, कुल कितने मिनट का कार्यक्रम? अभी लगभग आधे घंटे का है धार अमझेरा में, जो समय देंगे आधे घंटे का है, उसी में हम लोग कार्यक्रम। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।